हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जैसे कि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने चर्चा शुरू कर दी थी हमारे जनन स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और अब तक इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने जो कुछ मुख्य बिंदु थे, जो हमारी जनसंख्या से जुड़े हुए थे, हमारे शरीर से जुड़े हुए थे, यानी कि हम बात करें कि हमारी कंप्लीट हेल्थ से जुड़े हुए थे। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यह था कि हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर तीनों ही प्रकार से हम क्या होने चाहिए, वेलबींग होने चाहिए। यानी कि तभी क्या करेंगे, जब इन तीनों तरह से हम स्वस्थ होंगे तो एक स्वस्थ जो समाज है उसकी हम रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसके बारे में, हमारे जनन स्वास्थ्य के बारे में, अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। फिर हमने बात करी थी किसकी, हमने बात करी थी आरसीएच की। आरसीएच क्या था? यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया था। फिर हमने बात करी थी पॉपुलेशन के बारे में, और हमने चर्चा करी थी साथ ही साथ में किसके बारे में, हमने चर्चा कर ली थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय जो है उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमारी बात हो चुकी थी। अब हम जो बात करेंगे वो हम यूज करेंगे किस बारे में, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बात कर ली जनसंख्या की। अब जनसंख्या के जो उपाय हैं, तो कुछ और उपाय भी होते हैं जिनको करने से जो है हम अनवांटेड जो बर्थ होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है, उनको हम रोक सकते हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो कौन सा है, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की, यानी कि जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हमारी हेडिंग में क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक उपाय भी कहते हैं। गर्भ निरोधक उपाय, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो होना जरूरी है। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सभी जो विद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं आपके, इन सब में जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो जरूर मुख्य रूप से देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ, अज्ञानता जो होती है ना वो बेकार हो जाती है। अज्ञानता किसी की चीज में होना, साथ ही साथ अगर ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान होना, ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो किसी की चीज में अगर ज्ञान है तो वो अधूरा है तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हमें कोई भी ज्ञान जो लेना है वो कैसा लेना है, पूर्ण ही लेना है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमें शर्माना नहीं है, हमें खुल के उस बारे में बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जुड़ाव किससे है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उस पर सीधा सीधा असर डालता है। ठीक है, तो यानी कि हम बात करें कि पाठ्यक्रम की विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, बेसिकली हम बात करें जो सेक्सुअल के भाग है उनके बारे में बात होना चाहिए। ठीक है, सेक्सुअल नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जरूरी होती है ये समाज को उत्तरदायी बनाने के लिए, आगे के समाज को और एक सुदृढ़ समाज की रचना करने हेतु। ठीक है, चलिए, तो गर्भ निरोधक उपायों में हम बात करें अगर आदर्श गर्भ निरोधक की, तो एक आदर्श जो गर्भ निरोधक होता है बेसिकली, ठीक, उसका अर्थ क्या होता है। यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं मेथड के बारे में, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ऐसा उपाय जो अनचाहे गर्भ को रोकने में सहायता करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। तो ऐसा उपाय जो कि अनचाहे गर्भ को रोकते हो, वह उपाय क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक उपाय कहलाते हैं। वह उपाय कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड या इनको हम क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक उपाय कहलाते हैं। गर्भ निरोधक उपाय कहलाते हैं,
आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए अगली हम बात करें कि इसमें जो उपाय होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यह उपाय दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से हो जाएंगे? पहला अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें अस्थाई उपाय, अस्थाई उपाय, ठीक है? और दूसरा इसमें हो जाता है स्थाई उपाय, तो इन दोनों ही उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखिए अगर हम बात करें एक आदर्श गर्भ निरोधक की, तो एक आदर्श गर्भ निरोधक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उनके बारे में हम बात कर लें, ठीक है? सबसे पहले हम बात करें एक आदर्श गर्भ निरोधक में, एक आदर्श गर्भ निरोधक, की विशेषताएं, की विशेषताओं की हम बात करें तो एक आदर्श गर्भ निरोधक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पहली चीज कि यह, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी जो उपलब्धता है वो कैसे होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, यानी कि कहीं पे भी मेडिकल स्टोर्स पे, है ना, इन चीजों, इन जगह पर यह आसानी से मिल जाए। तो इनकी उपलब्धता आसान हो, ठीक है? दूसरी हम बात करें, यह अत्यधिक प्रभावी हो, अत्यधिक प्रभावी हो, ठीक है? उपलब्धता, उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है? हर जगह मिल जानी चाहिए। इसकी जो प्रभावी क्षमता है वो कैसे होनी चाहिए? अत्यधिक होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी हम बात करें, इसे इस्तेमाल करने का तरीका, इसे इस्तेमाल करने का तरीका सरल व सुगम हो, ठीक है? किसी प्रकार से इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम इसके अंदर बात करें कि यह कैसे हो, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई किसी प्रकार का शरीर पर दुष्प्रभाव ना हो, तो इसका शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव, या हम कह दें कि साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है? दूसरा, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें अगर फिफ्थ पॉइंट की, ठीक है? तो फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिखते हैं कि जो उपयोग करता है, ठीक है ना, उसकी कामेच्छा में, ठीक है, उसकी सेक्सुअल डिजायर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, ठीक है? और क्या लिखते हैं हम उसका, ताकि, और दूसरी बात उसको क्या है, जब ऑर्गेनिज्म हो उसमें वो बाधक ना हो, ठीक है, मैथुन क्रिया में बाधक ना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि उपयोगकर्ता की कामेच्छा में
बाधक ना हो, ठीक है, ये जो कामेच्छा में बाधक ना हो वह। दूसरा कैसा है, दूसरी हम बात करें तो प्रेरणा में, प्रेरणा में वह मैथुन क्रिया में बाधक ना हो, आई बात समझ में। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो इनमें क्या है, उपयोगकर्ता की कामेच्छा में कोई किसी प्रकार की यानी कि सेक्सुअल डिजायर में कोई कमी ना हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, प्रेरणा में मैथुन क्रिया में क्या हो, यह बाधक ना हो, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई जो है सेक्सुअल डिजायर में कोई कमी ना हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो वो किसमें देखने को मिलती है हमें, यहाँ पे जो है ये इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स में होनी चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक। अब इसके बाद हम किसकी बात कर लेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे अस्थाई उपाय के बारे में, ठीक है। अब अस्थाई उपाय में बात करें हम, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रासायनिक विधि के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा अस्थाई उपाय, ठीक है। अब देखिए, अस्थाई उपाय में भी यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो हमारा कैसा हो गया, केमिकली हो गया, तो पहला तो कौन सा हो जाएगा इसमें, मुख्यतः केमिकली, ठीक है, या हम कहते हैं कि केमिकल मेथड, केमिकली मेथड हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक विधि, ठीक है। दूसरी, इसके अंदर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल मेथड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा दूसरा, दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल मेथड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, यांत्रिक विधि कह देते हैं, यांत्रिक विधि, ठीक है। तो अस्थाई में हम केमिकली मेथड यानी कि रासायनिक विधि के बारे में बात करेंगे, व मैकेनिकल मेथड यानी कि यांत्रिक विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उनकी अस्थाई उपाय जो ये होते हैं, ठीक है। चलिए, आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, केमिकल मेथड्स के बारे में, ठीक है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया है, चलिए तो मैं इसको रब कर सकता हूं, बिल्कुल। अब हम किसकी बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे यहां पे अस्थाई उपाय के बारे में, ठीक है। एक स्थाई उपाय होता है और एक अस्थाई उपाय होता है, ज्यादातर हमारे यहां पर अस्थाई उपाय जो है वह काम में लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अस्थाई उपाय के बारे में, इसमें पहला किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, केमिकली मेथड यानी कि रासायनिक विधि, ठीक है। चलिए, तो पहला हम बात कर लेते हैं यहां पर केमिकल मेथड के बारे में, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे, रासायनिक विधि, ठीक है। चलिए, तो अगर केमिकल में हम बात करें बेसिकली, तो जो स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं उनको यहां पर काम में ले जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके साथ जुड़कर क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के अपटेक को रोक देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में रासायनिक क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे ZnSO4 हो गया, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट हो गया,
ठीक है, तो इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन रसायनों का इस्तेमाल या उपयोग जैसे कि स्पर्मिसाइडल एजेंट जो कि स्पर्मेटोजोआ से जुड़कर ऑक्सीजन अपटेप को रोकते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट्स का जो है यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ये हैं निर्मित विशेष रसायन जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये आपके जाते हैं KMnO4, फिर ZnSO4, फिर BaSO4, ठीक है, और कौन सा हो गया आपका बोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल एजेंट के साथ समान कार्य करते हैं, यह रसायन शुक्राणुओं को पूरी तरह से क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्मिसाइडल एजेंट कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और इसमें हम बात करें जैसे किस फॉर्म के अंदर आते हैं, ये वजाइनल फॉर्म्स के अंदर उपस्थित होते हैं, यह वजाइनल फॉर्म क्रीम्स जेलीज वो टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो स्पर्मिसाइडल एजेंट है वो इनमें घुले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, जो किसकी तरह काम करते हैं, स्पर्म्स को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर हम किसकी बात कर लेते हैं, अगले हम चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर हमारे केमिकल मेथड के साथ यांत्रिक मेथड के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर हमारे मैकेनिकल मेथड के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में, मैकेनिकल मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए मैकेनिकल मेथड में क्या है, यहां पे इसको हम बोलते हैं यांत्रिक विधि,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली अंडाणु और शुक्राणु का भौतिक रूप से यहां पर मिलन नहीं हो, इसलिए इस क्रिया को काम में लिया जाता है। तो हम लिखते हैं कि इस क्रिया में अंडाणु व शुक्राणुओं का भौतिक रूप से मिलन ना हो, ठीक है। तो इस पद्धति को हम क्या बोल देते हैं, मिलन ना हो या रोका जाए, ठीक है। तो ये क्या, ये क्रिया क्या कहलाती है, मैकेनिकल मेथड कहलाती है। यह क्रिया यांत्रिक विधि कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। अब अगर हम मेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये कौन से मेथड हो जाते हैं, जैसे कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो कॉन्डम क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक ही कह सकते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो कॉन्डम्स को क्या करते हैं, बाहरी रूप से जो है शिश्न मुंड पर पहना जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, जिस टाइम जब स्खलन होता है उस दौरान क्या होता है, जब कॉपुलेटरी होता है, ठीक है, सहवास होता है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म्स है वो इसी थैलेनुमा संरचना के अंदर रह जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डम बोलते हैं। और ये कॉन्डम जो होता है किसका बना होता है, यह लेटेक्स का बना हुआ होता है। लेटेक्स क्या है, एक प्लांट का भाग है, ठीक। और सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेक्स जो है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर हम बात करें तो लेटेक्स का जो निर्माण है वो हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ठीक है। और काफी पुराने समय से जो इसमें लेटेस्ट ब्रांड यूज में आ रहा है इंडिया के अंदर, तो वो कौन सा था, निरोध था, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। तो यहां हम किसकी बात कर लेते हैं, यहां हम बात कर लेते हैं मेल के रेस्पेक्ट में, यानी कि नर के रेस्पेक्ट में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, यहां पे मेल के बारे में, ठीक है। अब मेल में यूज करने वाली चीजें क्या हो गई, कॉन्डम्स हो गए, ठीक है। ये किससे मिलकर बने होते हैं, यह लेटेक्स से मिलकर बने हुए होते हैं, यह लेटेक्स से निर्मित होते हैं तथा यह शिश्न के ऊपर पहने जाते हैं, जो कि किसके होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं, जो कि रबर के या लेटेक्स ही बोलते हैं हम, लेटेक्स के बने होते हैं तथा यह कैसी होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, यह एक थैलेनुमा संरचना होती है जो कि सहवास के दौरान शुक्राणुओं को अंडाणु से मिलने से रोकती है,
अंडाणु से मिलने से रोकती है। तो स्पर्म्स कहाँ है? स्पर्म इसमें ही आकर इकट्ठा हो जाते हैं। शुक्राणु इसमें स्खलित हो जाते हैं तथा यह एक बार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। आई बात समझ में? कितनी बार प्रयुक्त किए जाते हैं? एक बार ही प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम लेटेक्स का भारत में निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ठीक है। वह भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित कॉन्डम ब्रांड की हम बात करें, वह क्या है? निरोध है, जो कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन कल्याण योजना में मुफ्त बांटा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित ब्रांड है वह जो योजना चलाई हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है, उसके द्वारा क्या है, यह मुफ्त में बांटा जाता है, यानी कि सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहां पर ही आपको फ्री के अंदर मिल जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने मैकेनिकल मेथड के बारे में बात कर ली। अब अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में भी क्या होते हैं? फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मेल व फीमेल दोनों ही प्रकार के कॉन्डम्स उपस्थित होते हैं। तथा यह फ्यूजन को रोकने में सहायक होते हैं तथा होते हैं व यह कॉपुलेटरी ऑर्गन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, वन टाइम यूज होते हैं और कॉपुलेटरी ऑर्गन पे यह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में?
चलिए।